हरे कृष्णा नमस्कार। बताइए कैसे आना हुआ? डॉक्टर माधव कीर्ति नमस्कार। नमस्कार सर, आज मेरे को आपका ये पंपलेट मिला है। जी जी, तो ये मैं आपसे ओरा टेक्नोलॉजी और ओरा फोटोग्राफी के बारे में जानना चाहता हूँ कि कैसे क्या है और कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी और इसके क्या क्या यूजेस हैं, तो ज़रा इसके बारे में डिटेल से बताइएगा। बराबर है, ये कैसे मिला आपको आज? ये एक हमारे पार्क में दोस्त हैं और हम लोग उनको मिला, दोस्त भी आए हैं साथ में। अच्छा अच्छा, तो हम दोनों हरे कृष्ण प्रभु जी के बारे में जानना चाहते हैं जी। बड़ा उसके बारे में पहले से भी जानते थे लेकिन अभी जो है हम बताते हैं आपको। हाँ देखिए, सुना था पहले लेकिन अभी जानना चाहते हैं जी। आपको ऑरा के बारे में तो पता होगा, ऑरा क्या है, चक्रा क्या है। चक्रा हमारे शरीर में 7 एनर्जी पॉइंट्स है, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ द एनर्जी। वहाँ से चक्रा 7 होते हैं, जैसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर्ण, अनाहत, विशुद्धि, देन आज्ञा चक्रा और सहस्त्रसार। ये 7 चक्रा है, ये 7 चक्रा बेसिकली 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं जो हमारे शरीर की एनर्जी को प्रिजर्व करता है, और वहाँ हर एक चक्रा हमारे अलग अलग ऑर्गेन्स को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से चक्रा का अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा चक्रा एक सीध में अलाइंड है तो हमारा बॉडी स्ट्रांग है, और जैसे ही चक्रा का अलाइनमेंट राइट लेफ्ट होता है तो जितना ही राइट लेफ्ट होता है उतना हमारा बॉडी के एनर्जी जो है एक साथ में नहीं फ्लो होने की वजह से हमारी बॉडी वीक होने लग जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें जो है अभी तक आपको ऐसी कोई मशीन नहीं आई थी, ऐसा कोई मशीन आया नहीं था जिसको आप मेजर कर सकते हो कि कितना चक्र आपके अलाइंड है नहीं है। लेकिन अभी एक मशीन है बायोवेल फोटोग्राफी, इसको कहते हैं क्रिलियन फोटोग्राफी, एक रशियन डॉक्टर कोर्सकोम ने इसको इन्वेंट किया है। nice. जिसकी वजह से आपको आपके चक्रा के बारे में पूरा फोटो निकल के आ जाएगा, आप चक्रा की पोजीशन क्या है। दूसरा ऑरा, ऑरा जानते हैं एक आभा मंडल होता है, आपने देखा होगा किसी महापुरुष का फोटो या किसी भगवान का फोटो उसके पीछे लगे रहते हैं। इस प्रकार से हमारे पास भी है, हमारे ये जो ऑरा है ये एक एनर्जी का आभा मंडल है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड, जो हर एक वस्तु के ऊपर रहती है, चाहे कोई भी, इसका भी एक एनर्जी है, लिविंग और नॉन लिविंग, हर एक लिविंग बींग के ऑरा रहता है, उसको बोलते हैं आभा मंडल बोलते हैं। जिसको अभी तक लोग भाग ना ऐसे टेस्ट करते हैं, जैसे रेकी वाले और कुछ ऐसे प्रैक्टिस करने वाले आपको अंधेरे में रख के टेस्ट करते हैं कि इस तरीके से आपका ये ऑरा है, कितना ऑरा, ऑरा का प्रभाव कितना दूर है। तो एक्चुअली देखा जाए तो आपका जो शरीर है वो एक स्थूल शरीर है जिसको हम देख रहे हैं, ग्रॉस बॉडी। उसके बाद क्या है कि सिर्फ स्थूल शरीर ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे शरीर है, जैसे कारण शरीर, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी। वेरी इंटरेस्टिंग, ये 3-4 लेयर हैं। ये आपके स्थूल शरीर के अलावे भी 3-4 लेयर हैं। तो उस लेयर के अंदर में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है जो आपके उस स्थूल शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी तक क्या होता है कि ऐसा कोई मशीन नहीं आया था जिसमें इसकी फोटोग्राफी ली जा सके, लेकिन इस बायोवेल कैमरा के थ्रू इसका हम फोटोग्राफी ले सकते हैं। वेरी गुड। ये फोटोग्राफी कैसे होता है मैं बताता हूँ। आपके जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स एक एक करके या टिप ऑफ द फिंगर, यहाँ से कॉन्स्टेंटली एक एनर्जी का फ्लो आता रहता है। जैसे आप किसी ग्लास के ऊपर आप ऐसे डालें तो ग्लास के ऊपर छाएं, तो आपका जो फिंगरप्रिंट्स है वो यूनिक है, दुनिया में किसी से मिलता नहीं है। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह जो है, पुलिस, ये लोग फिंगर्स की इस्तेमाल करते हैं। आपका एक फिंगर दूसरे फिंगर प्रिंट से मैच नहीं करता, तो फॉरगेट अबाउट अदर वन। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक एक फिंगर डाल करके इसके अंदर एक कैमरा है, लेंस है, उसके ऊपर आपका टिप ऑफ द फिंगर जाता है जी, और वहाँ से जो एनर्जी फ्लो होती है उसका एक इमेज लेता है और इस इमेज को कन्वर्ट करता है इन फोटोग्राफी फॉर्मेट में। तो ये जो आप देखिए, ये जो है अभी हम दिखाएंगे, ये प्रिंट आपका आएगा, अभी हम यहाँ भी दिखाते हैं। तो ये एक्चुअली 100% आयुर्वेदिक है, क्योंकि आयुर्वेद का कहना यह है कि हमारे शरीर में हमारा जो 10 उंगलियां हैं, इस 10 उंगली के ऊपर अलग 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 क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेन्स का इफ़ेक्ट है। जैसे आपका यह है तो इससे किडनी जुड़ा हुआ है, ये है इससे कुछ और जुड़ा हुआ है, अलग अलग है। अब इसको कैसे हम देखते हैं वो मैं आपको बता दूँ। जैसे आप ये चार्ट देखो,
इस चार्ट में देख रहे हो, जैसे राइट थंब है, राइट थंब में कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, राइट स्मॉल फिंगर है, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, जैसे आपका लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है, लीवर एंड गाल ब्लडर है, आपका जैसे राइट इंडेक्स फिंगर है, ये देखिए किडनी एंड यूरिनरी ब्लडर है, राइट रिंग फिंगर है, स्प्लीन एंड स्टमक है, तो देख रहे हैं हर फिंगर के ऊपर आपका कोई ना कोई ऑर्गेन जो है डिपेंड करता है। देखिए आप आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर 10 ओरिजिन टेबल, तो जैसे आप पंच महाभूत से बने हो, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, हैं स्पेस, आकाश, उसके अलावा आप आत्मा, मन, दिशा, काल, तम, ये पांच और हैं। तो पांच तो हो गए जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, और पांच हो गए तम, मन, आत्मा, दिशा, काल, तो इस पांच से भी बने हो। तो ये पांच जो है वो आपका सेटल है, और ये पांच जो है आपका ग्रॉस है। तो पंच महाभूत जनरली हम सिर्फ पांच ही जानते हैं ना, लेकिन पांच और है। तो इस तरीके से ये आयुर्वेदिक हमारा जो है पद्धति के मुताबिक है। अब इस हर जब हर ऑर्गेन एक एक फिंगर हर ऑर्गेन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी एनर्जी लेवल को चेक करने के लिए यहाँ से हमेशा एक आभा निकलती रहती है, ऊर्जा निकलती रहती है। इस ऊर्जा को हम वेस्ट करते हैं, इसलिए योग में मुद्राएं दी जाती है। जिसे आप इस मुद्रा को करते हो तो क्या होता है, उसको कुछ फ़ायदा होता है ना, तो क्या होता है आप रीचैनलाइज कर दिए, तो ये जो ऊर्जा मंडल है निकल नहीं रहा है ऊर्जा, आप क्या करते हो ऊर्जा को वापस शरीर के अंदर ले रहे हो। कोई भी मुद्रा बना लो तो उसका मतलब ही यही है कि जो ऊर्जा निकल रही है ऊर्जा को हम संचित कर लें शरीर में ही। तो जो ऊर्जा हमारे फिंगर टिप से निकलता है उसका फोटोग्राफी यहाँ पे होता है। और इस तरीके से आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए, तो ऑरा इज लॉन्ग बीइंग डिस्क्राइब्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड दैट सराउंड्स पीपल लाइक एन एग शेप, इस शेप में होता है ना, ओवल शेप में। चक्रा के बारे में बताया, ये आपको हम बता रहे हैं जो आपने बताया कि डिफरेंट कितने, हाँ ये आपका जो है ये देखिए आपका भौतिक शरीर है, और ये आपका भौतिक शरीर के ऊपर देखिए ये है एस्ट्रल, देन इमोशनल, देन मेंटल बॉडी है ना, इथरिक बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी एंड कॉजल बॉडी, कारण शरीर अगर आप जानते हैं। तो ये जो आभा मंडल है ये सब आपके ऑरा के अंदर में निहित होता है। तो इसके इसका स्वस्थ के ऊपर ही आपका ये भी स्वस्थ, और ये देखिए बीच में एनर्जी पॉइंट्स हैं, सात चक्रास हैं, तो ये सबसे नीचे मूलाधार, फिर आपका हो गया स्वाधिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत, देन विशुद्धि, देन अज्ञा चक्र, सहस्रसार चक्र, ठीक है। तो इस मशीन के द्वारा हमको ये चक्र का पता चलता है, ये डिसलोकेट तो नहीं है, डिसलोकेट तो नहीं है। वो कैसे होगा, इस तरीके से जो है जो फिंगरप्रिंट, जैसे आप फिंगर हम लेंगे तो इस तरीके से इसका क्या होगा, इमेज बन क्रिएट होगा, और इसके ऊपर ये देखिए ये आपको बताएंगे जब रिपोर्ट जनरेट होता है तो ये आपका ऑरा किस प्रकार से चक्रा किस प्रकार से अलाइंड है, डिसलोकेटेड है। तो ये जितना अलाइंड होगा उतना ही आपकी बॉडी का फंक्शन, स्ट्रेंथ, एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा। और ये जैसे देखिए आभा मंडल है आपका पोस्टेरियर, इंटीरियर, फ्रंट, बैक, बराबर है। तो ये जो आप कट देख रहे हो इस कट का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ऑर्गन इफेक्टेड है, तो वो हम आगे रिपोर्ट में देखते हैं। इसमें देखिए आपको इससे आपको ये पता चलता है कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, आप एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, किस प्रकार से आपका है, आपका राइट लोब जो बॉडी बैलेंस है उसका पता चलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एनर्जी लेवल क्या है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में रिजर्व एनर्जी कितना है, तो वो सब बताता है। दूसरा ये इंग यांग जो आप देखते हो चाइनीज मेरिडियन सिस्टम, वो कितना बैलेंस्ड है, वो बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे नाड़ी मंडल कहते हैं ना, उसका इंग यांग एक मेल फीमेल होता है जिसमें दोनों का बैलेंस 50-50 होना चाहिए। जैसे इस केस में देख रहे हैं 48-52 है, बैलेंस नहीं है, किसी का रिपोर्ट से लिया गया है। उसके बाद क्या होगा, ये एनर्जी प्रिजर्वेशन है, जैसे आप देख रहे हैं ये जो आप मार्क देख रहे हैं ये जिसको जिस साइड में इंडिकेट कर रहा है वो एक दिखा रहा है कि ये यहाँ पे एनर्जी आपकी ज़्यादा है या कम है। मतलब अगर किसी ऑर्गेन में एनर्जी ज़्यादा है तो क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लेशन, और एनर्जी कम है तो मतलब वो उतना सशक्त नहीं है, उतना एक्टिव नहीं है, डोमेंट है या इनर्शिया में चल रहा है। तो इस तरीके से जो है ना हम आपका फ़ोटो निकालते हैं और आपको बताते हैं। और फाइनली एक रिपोर्ट आपका इस तरीके से आया कौन कौन से ऑर्गन इफेक्टेड है। तो ये यहाँ पर कुछ तो ऐसी चीज़ें इसमें आपको पता चल जाएगा जो अभी ऑलरेडी आपको है, आपको पता होगा मेडिकल सिस्टम से आपको पता होगा, लेकिन सबसे मुख्य बेनिफिट इसका ये है कि
आपके इस ऑरा स्कैनिंग से उन सभी बीमारी का भी पता चल सकता है जिसका विजारोपण मतलब सीडिंग अभी हो रही है बॉडी में, सिम्टम्स अभी नहीं आए हैं। ऐसा है सिम्टम्स अभी नहीं आए हैं, लेकिन सिम्टम्स आने से पहले चूंकि आप डॉक्टर के पास जाओ कब जब सिम्टम्स आएगा नहीं बताते डॉक्टर तो बता ही नहीं पाएगा, वो तो सिम्टम्स आप डॉक्टर को बताते हो फिर डॉक्टर आपको डिजीज बताता है, डॉक्टर आपको पहले डिजीज नहीं बताता। ठीक है, पर डॉक्टर को बताने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि हमें सर दर्द हो रहा है, हमें यहाँ दर्द हो रहा है, इस मशीन के द्वारा पहले ही पता चलता है। हाँ, इसमें हम आपको बताएंगे। और इसमें क्या है, इसको प्रोग्नोसिस भी बोलते हैं, एक तो डायग्नोसिस मशीन बताएगी कि आप एनालिसिस करेंगे। हाँ, एक तो हम फिंगरप्रिंट लेंगे, फिंगरप्रिंट लेने के बाद ये सब ऑनलाइन है, फिंगरप्रिंट लेने के बाद क्या होगा कि आपका हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करने के बाद आपको हम बताते हैं कि एनालिसिस, हाँ पूरा रिपोर्ट एनालिसिस होगा और उसमें हम आपको बता देंगे कि अभी वर्तमान में क्या प्रॉब्लम है और इवन भविष्य में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, वो आज से आपको अलर्ट हो जाएगा। और अगर आपको प्रॉब्लम पता चल गया तो फिर उसके सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे। वेरी गुड, उसमें मतलब किस प्रकार से उस प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कितना है, जैसे ये देखिए ये रिपोर्ट है, इस तरीके से आपका रिपोर्ट है, ये आपकी एनर्जी बता रहा है, आपका बॉडी का बैलेंस कितना परसेंट है, और यहाँ पर देखिए चक्रा रियल टाइम आपको ऑनलाइन चक्रास के बारे में बताया जा रहा है, ये चक्रा कितना देखिए डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद इंग यंग बैलेंस यहाँ पे लाइव है, ये किस ऑर्गेन में आपकी एनर्जी लेवल क्या है और कौन से ऑर्गेन का फिंगर के ऊपर कौन सा पोर्शन है जो इसको बताता है, फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए देखिए ये पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट है प्रिंट करके इसको एक्यूप्रेशर दे करके इसकी एनर्जी भी बढ़ाई जा सकती है। 4 से 6 का जो एनर्जी है वो ऑप्टिमम है, 6 से ऊपर इन्फ्लेशन है मतलब ओवरवर्क है, और 4 से नीचे स्लो है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस तरीके से आप देखते हैं, फिर आपका इसमें बायोरिदम निकलता है, एनर्जी रिजर्व निकलता है, एनालिसिस होता है, फिर मेन देखिए यहाँ पे इमोशनल जो है ये आपको बताएगा आपका इमोशनल प्रेशर कितना है, या ऑप्टिमम है या एंजाइटी है या स्ट्रेस लेवल पे चल रहे हो। लोगों को पता नहीं होता कि कितना स्ट्रेस है या एंजाइटी है, स्ट्रेस को एंजाइटी को स्ट्रेस मिक्स कर लेते हैं लोग बाग। तो इस पोजिशन को हमें सब कुछ बता देगा कि क्या है आपकी बॉडी की एनर्जी कितनी है, 76.47% है यहाँ पर, लेफ़्ट राइट सिमेट्री जो लोब है हमारा राइट लोब लेफ्ट लोब उसका बताता है, फिर ऑर्गेन का ओवरऑल एनर्जी कितना है वो बता देगा इसके अंदर। यहाँ से आपको हेल्थ स्टेटस पता चलता है, आपने देखा जहाँ जहाँ ये ऑप्टिमल है जो राउंड देख रहे हो ये ऑप्टिमल है, यहाँ होना चाहिए, इससे ऊपर गया तो मतलब वो ओवर का वर्क हो रहा है, उसके नीचे है तो अंडर है, तो ये जो है ऑप्टिमल लेवल है 4 to 6 लेवल। इस तरीके से आपको पूरा पता चल जाता है, इसकी डीपली हम स्टडी करके हम बताते हैं कि कैसे आप इसे देखिए, ये आपका एनर्जी ये जो है इस बीच में जो गैप देख रहे हैं, ये बीच में जो गैप देख रहे हैं इसके बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे एनर्जी जो रिज़र्व है वो काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन सेम टाइम आप जो देख रहे हैं यहाँ पे रेड ऊपर दिखा रहा है, तो इस ऑर्गेन में जैसे आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम में अगर फीमेल के केस में मेमोरी ग्लैंड्स एंड मेल के केस में रिस्पिरेटरी सिस्टम, देन यहाँ जैसे दिखा रहा है थोरेक्स में प्रॉब्लम है, यहाँ दिखा रहा है असेंडिंग कॉलम में प्रॉब्लम है, यहाँ दिखा रहा है सेक्रम में प्रॉब्लम है। तो यहाँ से हम आपको ये कह सकते हैं कि आप ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है रेक्टम एंड प्रोस्टेट में, तो मैं यहाँ सर्टेनली कह सकता हूँ कि अगर आप एलोपैथ में जाकर इसकी टेस्ट करवाओगे तो ये ज़रूर निकलेगा। अभी तक आपको नहीं पता है लेकिन यहाँ पे आप जाकर टेस्ट करा सकते हैं। जैसे लेफ़्ट किडनी में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ रही है, अभी उतनी इंटेंस नहीं है बट ये दिखा रहा है लेफ़्ट किडनी। सो इसमें ये पता चल जाता है ओवरऑल कि हमें हमारे शरीर का बैलेंस क्या है, कहाँ पे क्या है और हमें कितने प्रिकॉशंस लेना है। तो सिर्फ हम रिपोर्ट ही नहीं निकालेंगे, हम आपको इंटरप्रिटेशन ही नहीं देंगे बल्कि हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे। बीइंग ए नेचुरोपैथ फिजिशियन हम आपको बताएंगे कि बिना मेडिसिन से, चूँकि अभी सिम्टम्स आई नहीं है, तो जब हम सिम्टम्स आने के बाद जब हम कहते हैं बिना मेडिसिन का क्योर करना है, तो फिर सिम्टम्स आने से पहले भी हम विदाउट मेडिसिन ही क्योर करेंगे। इसके अंदर हम आपको डिटॉक्स प्लानिंग देंगे, फिर आपको डाइटिंग पे रखेंगे, डाइट वगैरह मतलब ये नहीं कि भूखा रखा जाएगा, वो खिलाया जाएगा बट जो हम कहेंगे वो खाना है प्रिस्क्राइब डाइट। देन उसके बाद योगा, फिर कौन से योगा क्या है, कौन सी मुद्राएं, प्राणायाम, ये सब जो है ना आपको हम फिर बाद में एज अ क्या बोलते हैं उसको सॉल्यूशन के तौर पर आपको बताते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ उंगली डालिए, फिंगर डालिए और यहाँ पर आपका हम एक लेते हैं, जैसे ये देखिए आपने फिंगर डाला तो यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पर आपका
इसके लिए खड़े हो जाना होता है, आपके नाखून कटे होने चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर स्कैन हो जाए तो ये जैसे आपने डाला तो यहाँ पे स्कैन होकर के आ जाएगा। फिर देखिए स्कैन हो रहा है, फिर दूसरी फिंगर, इस तरीके से बारी बारी से आपका फिंगर जो है सारे फिंगर्स होंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हम बताएं। नहीं नहीं, बहुत आपका इंटरेस्टिंग इसका, और ये से यहाँ लिखा हुआ है इन्फॉर्मेटिक इन्फॉर्मेशन मिल गया है।